हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया का नाम जब से ड्रग्स मामले में सामने आया है, तभी से वो हर किसी के निशाने पर है। जहां एक तरफ कई स्टार्स भारती और हर्ष की लताड़ लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी भारती को लेकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। इस बीच भारती को लेकर एक और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ड्रग्स मामले में नाम आने के बाद भारती को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। सुनने में आ रहा है कि ऑनलाइन ब्रांड्स ने भारती से किनारा कर लिया है। अब कई ब्रांड्स कंपनियां भारती के साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लोगों का लग रहा है कि भारती के चलते उनके ब्रांड्स पर बुरा असर पड़ सकता है, और इसलिए उनसे किनारा करने में ही अब सब अपनी भलाई समझ रहे हैं। तो भारती सिंह टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम होने के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। वो सोशल मीडिया के जरिए ही करोड़ों की कमाई कर लेती हैं, और भारती सिंह अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ब्रांडेड कपड़ों से लेकर इनहेलर, कॉस्मेटिक ब्रांड्स, ऑनलाइन गेम एप्लीकेशंस तक कई ब्रांड्स को प्रमोट भी करती हैं। बताया तो ये भी जाता है कि इन ब्रांड्स के प्रमोशन से भारती हर महीने करीब 2 करोड़ रुपए कमाती है। देखिए ना, भारती ब्रांड की डिमांड के हिसाब से अपनी फीस भी तय करती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करने के लिए भारती 1 लाख रुपए चार्ज करती है, और तो और प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए वो 5 लाख तक रुपए भी चार्ज करती है। तो भारती ब्रांड प्रमोशन के लिए जिस तरह के पोस्ट करती है, उनमें स्वाइप ऐप, सिंगल पिक्चर पोस्ट, वीडियो, रील वीडियो, ब्रांड अनाउंसमेंट और ब्रांड कर्सी जैसे पोस्ट होते हैं। माना जा रहा है कि जब भारती सिंह की सोशल मीडिया से जो कमाई होती थी, उस पर अब असर पड़ सकता है। यानी कि कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर भारती को इसी तरह नुकसान होता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब भारती को फाइनेंशियली बुरे दौर से गुजरना पड़े। आपको बताते चलें कि हाल ही में NCB ने भारती और उनके पति यानी कि हर्ष के घर पर छापा मारा था, जहां कुछ मात्रा में गांजा भी मिला था, और जिसके बाद NCB ने दोनों से पूछताछ की, जिसमें भारती और उनके पति ने गांजा सेवन करने की बात कबूल की थी। बाद में दोनों गिरफ्तार किए गए। हालांकि अब दोनों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन फिर भी भारती की मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से उनके हाथ से ब्रांड निकल रहे हैं, उससे यकीनन उन्हें करोड़ों का नुकसान हो सकता है। वैसे आपका इस पर क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।